हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। 3D गेम और मूवीज के बारे में आपने जरूर सुना होगा और शायद आपने ऐसे गेम्स और मूवीज का भी मजा लिया हो, लेकिन आप इस 3D टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानकारी भी जरूर लेना चाहते होंगे। ऐसे में क्यों ना आज इसी बारे में बात की जाए। 3D क्या होता है, 3D प्रिंटिंग क्या होती है और ये कैसे काम करती है, तो चलिए आज जानते हैं 3D की इस रोमांचक दुनिया के बारे में। 3D क्या होता है, 3D का मतलब 3 डायमेंशन होता है, यानी 3D इमेज का अर्थ है 3 दिशाओं से दिखने वाली इमेज। सामान्य रूप से हम किसी भी चित्र की केवल लंबाई और चौड़ाई ही देख पाते हैं, लेकिन 3D इमेज में हम उस चित्र की गहराई भी देख सकते हैं। खास बात ये है कि ऐसी इमेज देखने में बिल्कुल वास्तविक लगती है और इसका अनुभव आपने 3D गेम और मूवीज में देखते समय जरूर किया होगा। अब बात करते हैं 3D प्रिंटिंग क्या होती है। तो 3D प्रिंटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। इसमें एक ही प्रोडक्ट के कई लेयर्स और डिजिटल फाइल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मटेरियल को तब तक लगातार एक के ऊपर एक क्रम में लगाया जाता है जब तक फाइनल प्रोडक्ट 3 डायमेंशनल फिगर में ना बदल जाए। इस तकनीकी में मटेरियल के तौर पर ज़्यादातर प्लास्टिक के अलग अलग फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें प्लास्टिक के अलावा रबर, कॉपर और लोहा भी काम में लिया जाता है। 3D प्रिंटिंग कैसे काम करती है, जिस भी ऑब्जेक्ट का 3D मॉडल कंप्यूटर में बनाना होता है उसके लिए एक सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है जैसे कि ब्लेंडर। कंप्यूटर के ब्लेंडर सॉफ्टवेयर में बनी 3D फाइल को 3D प्रिंटर में डाला जाता है। इसके बाद 3D प्रिंटर प्लास्टिक या बताया गया किसी दूसरे मटेरियल का इस्तेमाल करके उस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल हूबहू मॉडल तैयार कर देता है। आजकल 3D प्रिंटिंग का चलन इतना बढ़ गया है कि इस तकनीकी के जरिए न केवल मकान बनाए जा रहे हैं बल्कि इंसानी शरीर के कई अंग बनाना भी संभव हो गया है, जैसे दांत, कान और हड्डी के पार्ट 3D प्रिंटिंग के जरिए बड़ी आसानी से बनाए जाने लगे हैं। बाकी 3D प्रिंटिंग एक हैरान करने देने वाली टेक्नोलॉजी है जो हमारी लाइफ को और भी आरामदायक बनाने में मददगार साबित होगी। दोस्तों, अब आप भी 3D प्रिंटिंग के बारे में जान चुके हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको 3D प्रिंटिंग की तरह ही रोचक लगी होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हो देख के ज़रूर नीचे कमेंट में बताइएगा, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लेकर आता रहता हूँ।